शादी का झांसा देकर एक युवक ने शिक्षिका के साथ दुष्कर्म किया। विवाह के लिए दबाव डालने पर आरोपी युवक के भाइयों ने गाली गलौज और मारपीट की। नंदनवन पुलिस ने 27 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर गुरुदेव नगर निवासी कुणाल गुलाब पड़ेलवार, उसके भाई सुमित और वैभव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता एक स्कूल में शिक्षिका है। कुणाल निजी संस्थान में काम करता है। वर्ष 2020 में एक योग शिविर के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। दोस्ती को प्रेम संबंधों में बदलते देर नहीं लगी। कुणाल ने पीड़िता को विश्वास दिलाया कि बड़े भाई की शादी होने के बाद वह भी उसके साथ शादी कर लेगा। विवाह का झांसा देकर समय समय पर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। कोरोना काल में पीड़िता को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद से कुणाल ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। घर पर उसके प्रेम संबंधों की जानकारी मिल गई। कुणाल ने पीड़िता को अपने परिजनों से मिलने को कहा। वह कुणाल के घर पहुंची तो दोनों भाइयों ने गाली गलौज और मारपीट कर सब भूल जाने को कहा। उसे मारने की धमकी दी। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। पुलिस स्टेशन नंदनवन येथे पीड़ित फिर्यादी इने तक्रार दिली की 2018 मध्ये तिची कुणाल पेडलवर या आईच्या सोबत ओळख झाली आणि ओळख झाल्यानंतर त्यांचे म्हणजे मित्र वगैरे सोबत होते आणि त्यांची ओळख झाल्यानंतर ते क्लोज आले आणि त्यांनी 2020 तिचा अपघात झाला, त्यावेळेला तो जास्ती तिचा क्लोज झाला आणि त्याने केअरटेकर वगैरे म्हणून त्याचं मदत केली आणि मग त्यांचे रिलेशन पण त्यात झालेले आहे। तो तिला नेहमी म्हणायचा की मी तुझ्यासोबत लग्न करेल, परंतु आरोपीने तिच्यासोबत काही लग्न केलेलं नाही आणि तिला आतापर्यंत विश्वासावरच ठेवलेलं होतं। आता आरोपी विरुद्ध तिने तक्रार दिली आहे, पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल आहे। आरोपी हा खाजगी कंपनीत काम करतो आणि त्याचा शोध सुरू आहे। एक ध्यान केंद्र आहे ती नंदनवन हद्दीतच राहते, त्या ध्यान केंद्रामध्ये दोघांची ओळख झालेली होती। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपूर।